हमारी पीएचसी पशु अस्पताल डिग्री कॉलेज बंद किया गया, ये हमारे कौन से पापों की दर सजा हमें मिल रही है? भारत माता की, भारत माता की। एक तो जिंदाबाद आज का ये धरना प्रदर्शन जो कि ग्राम पंचायत लंबलो के प्रधान श्री करचार्जन जी के द्वारा रखा गया था, इसमें जो कि सरकार ने हमारे क्षेत्र के सौगात दी थी, चाहे पीएससी की बात है, चाहे हमारे कॉलेज की बात है, हमारे पशु औषधालय की बात है, जो भी सरकार ने कुछ बंद कर दिए हैं, तो उसको समर्थन देने के लिए आज मैं ग्राम पंचायत कैरमी का प्रधान होने के नाते यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ ही साथ हमारी श्रेणी की 7-8 पंचायतों के प्रधान बीडीसी सदस्य भी आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि हमारे इस इलाके की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का जल्दी समाधान निकालने की कृपा करें, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे, चाहे हमारे किसान हैं, उनको परेशानी ना हो। और मैं चौहान जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी पंचायतें हमारे सराउंडिंग की है, उनको इकट्ठा करके हम आने वाले समय में अगर सरकार नहीं जागती है तो हम एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शायद एक दो को ये बेटियां, ये माताएं, ये बहनें बोली कि जब हमारी बच्चियां अनु में जाती हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाती हैं, तो रात को तब तक रोटी नहीं खा सकती जब तक लड़की घर नहीं पहुंचती, या लड़का भी घर नहीं पहुंचता। लड़की तो लड़की, आज लड़कों को भी खतरा है, युग ऐसा आ गया है ड्रग्स में, और आपको पता ड्रिंक्स हैं, ड्रग पेडलर कहाँ से कहाँ, विदेशियों की चाल है युवा शक्ति को ख़त्म करने के लिए। तो माताएँ तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकती, रात को खाना नहीं खा सकती, या शाम को जब तक बेटी घर नहीं पहुँच। पास में अगर यहीं कहीं कॉलेज होता, अगर पास में यहीं कहीं कॉलेज होता तो मेरी बेटी, वो घर से जो पढ़ नहीं सकती, जिसको शायद घर हर सुविधा की कोई, खाने की भी घर में कमी है, बीपीएल में भी है, तो वो बेटी अपने उन्हीं कपड़ों में चप्पल डाल के भी वो उस कॉलेज में जा सकती होती। और वो बच्ची जो एक अच्छी कोई एडवोकेट बन सकती है, कोई अच्छी प्रोफेशन में चेस कर सकती है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकती है, तो और ना सही तो कम से कम कोई पीएचडी ऐसी कर लेगी चप्पलों में जाके। और घर को जब आएगी दराती सास होगी तो घास के दो कुलियां भी घर को ले जाएगी और गाय को भी खिला दी। ये यहाँ में ऐसे हो जाना था। तो इसलिए बड़ी रो धो के हमने पुकार के कई सालों से कर रहे हैं, हम 25-30 साल से कर रहे हैं कि कॉलेज होना चाहिए। और फिर जब हुई फलीभूत ही हमारी जो मेहनत थी, तो हमें कॉलेज उस सरकार ने दिया, पर दिया उस क्षणों में, अंतिम क्षणों में। और तब वहाँ एडमिशन हो चुकी थी कॉलेज में, प्रोफेसर तो यहाँ आए, हमने जगह भी दी स्कूल में, लेकिन वो दाखिल नहीं ज़्यादा बच्चे हो पाए, नहीं हो पाए। और फिर जब आगे का वक्त आया, सरकार बदली, तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो भी हमारी बहुत ही नितांत आवश्यक था हमारे लिए, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो एलोपैथी है, ये बहुत कॉम्पिटेंट है सर्जिकल और दूसरी बातों के लिए, तो वो भी शुरू हो गया था। डॉक्टर भी आ गए थे और वो फार्मासिस्ट भी आ गई थी, चला भी 5-6 महीने से चला, वो भी डी नोटिफाई हो गया, वो भी यहाँ से स्थानांतरण हो गया। और फिर उसके साथ बैटरी हॉस्पिटल देखिए, वो जान होते आप ये कुत्ता देख रहे हैं, अगर देखें इस पर कितना जख्मी है, कितना जख्मी है। हाँ, एक मामूली सी डिस्पेंसरी है, उसके लिए वो इलाज नहीं मिल सकता जिसका, और कितना वो यहाँ बैठा है, शायद ये भी फरियाद कर रहा है, अगर आप अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो मेरे लिए भी एक बैटरी हॉस्पिटल हमें भी चाहिए। रात को जागता है, हम सो जाते हैं, ये जागता है, और जो सेवा ये करता है वो कोई नहीं करता, जान पे खेलता है। तो देखिए हमारे जो कि दुधारू पशु, दूसरे रीढ़ की हड्डी होंगी समाज की, वो भी छिन गया हमसे, वो भी छिन गया। और मासूस होते हैं, ये किसान मरता है तो देश मरता है, कोई जिंदा है हम तो किसान की वजह से अन्न आता है हमारा, तो दूध वही देता है, सब्जी वही देता है, रोटी वही देता है। तो अब वो भी छिन गया, सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, कोई सरकार ऐसी नहीं होती है जो वायदे करते थे, जनकल्याण के लिए सरकारें बनती हैं, वो मैं समझ सकता हूँ कि वो कुछ
ऐसा तो हमें अब भी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, वो जो हमारा छीना हमें मिलेगा। उन्होंने कहा भी है कि जहाँ पर जिसकी आवश्यकता हम देंगे, नीड वेस्ट नहीं देंगे। तो शायद पहली बार सरकार ने नीड वेस्ट ना समझो, ऐसा होता है। कोर्ट्स ने भी कहा ज़्यादातर ऐसा होता है और सभी करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि वोट देखते हैं चार मिलेंगे या जहाँ का नेता बोल देता है वहाँ तो दे देते हैं, पर जहाँ जिनको चाहिए उनको मिलता नहीं है। ये तो हमारी कोर्ट से महसूस करते, मैंने सुना है, मैंने देखा। सर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है क्या पंचायत की रिगार्डिंग जो आपकी डिमांड है पंचायत में? हमने तो इतनी बात की, इतने रेजोल्यूशन सरकार को भेजे, हमने सरकार को आते ही भेजे मैंने कि देखो आप महसूस करो, आप हमारे जिला के हैं और हमारे आप मुख्यमंत्री और अपने हैं, और आप आके देखो कि यहाँ ज़रूरत है कि नहीं। आप भी देख सकते हैं, ये इतना बड़ा कस्बा है, कभी तो इतना हमीरपुर नहीं था। जब मैं पढ़ा 58 में मैंने वहाँ से मैट्रिक किया तो वहाँ तो सारी 5-7 दुकानें थी। आज देखिए ये इतना बड़ा कस्बा, इसकी ज़रूरत मैंने कहा देखिए है, अगर है ज़रूरत है तो हमें दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए। देखो देर से तब तक कितने लोग मर जाएंगे बिना औषधि के, तब तक कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाएंगे, कितनी बेटियां हैं जो पढ़ नहीं सकेंगी, जो इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर वैज्ञानिक बन सकती हैं। अब देखिए प्रिंसिपल शर्मा यहाँ अभी भी प्राइवेट बच्चों को पढ़ा देते हैं, उनका पढ़ाया बच्चा स्टेट में फर्स्ट आया। सर आज आक्रोश रैली है, आक्रोश रैली इसीलिए है हमारी, यही है कि हमारी अभी आक्रोश सिर्फ आक्रोश है, हम इसको उसमें आंदोलन में नहीं बदल रहे हैं। 3 महीने का समय हमने दिया सरकार को कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 3 इंस्टीट्यूशन हमें लौटा दो। हम तो उम्मीद थी कि हमने 5-7 मांगे थे, 40 साल से यहाँ कुछ नहीं हुआ था, एक स्कूल मिला था मुझे इस इलाके को, तो 3 रोड होके बड़ी मुश्किल से हम लिए थे और वो भी उन्होंने एंड में दिए, चलो एंड में ही दिए पर दिए। तो हम तो ये कहते हैं कि कम से वो तो लौटा दो, क्योंकि आपसे तो उम्मीद है कि हमें और भी चाहिए। जब अपना कोई बेटा होता है, मेरी अपनी धरती का कोई अपना, कुएँ के नज़दीक थोड़ा ढीलापन रहता ही है, इतना तो उम्मीद है कि रखेगा, उम्मीद पे बैठे हैं। और बुरी बात तो ये महसूस हो रही कि अपना अभी हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, सिर्फ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आंदोलन पे उतरना पड़ेगा तो हमारा सर भी चुक जाएगा, वीरभूमि है। तो देखिए आर्मी के लोग खड़े हैं, फौजी लोग खड़े हैं, जहाँ बहुत सारे सर आंदोलन की बात कर रहे हैं, किस तरह का? मैं यही कह रहा हूँ कि हम ओआईबी सिटीजन हैं, अनुशासन में हैं, लेकिन मजबूर होकर आंदोलन। फिर अभी देखो एक वक्ता बोल के गए कि फिर हम तो सर धक्कीबाजी लगाएंगे, जान भी दे देंगे। एक बेटा अभी बोला, मुझे कमज़ोर समझते हैं, मैं 82 साल का हूँ, ओपन हार्ट सर्जरी है, तो जब मैं कुछ बोलता हूँ कुछ बच्चे महसूस करते हैं साफ होना चाहिए। आंदोलन की बात हो रही है, तो आंदोलन आंदोलन के रूप होते हैं, पहले जो कैसे करेंगे तो संकेत चाहे वो करेंगे, बढ़ाते बढ़ाते ये मरण दत्त जा सकता है, अमरण अनशन मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन उस तेजी ने मैं देखता हूँ, अगर फिर हमारे तिरंगे में लिपटकाते हैं फौजी, और मैं अगर अपनों के लिए यहाँ जान दे दूँगा, 80 साल बहुत, 82 साल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा लगेगा कि अपने लिए नहीं, अगर गया भी हूँ तो अपने उन लोगों के लिए। और देखो मातृशक्ति बहुत उदास है, बहुत पीड़ित है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।